अगली खबर आ रही है सतना से, जहां सिमरिया मार्ग पर बदखर के पास हुए एक सड़क हादसे में मासूम बालिका के घायल हो जाने के बाद बवाल मच गया। नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी और रोड जाम कर दिया। हासिल जानकारी के मुताबिक कोलगवा थाना क्षेत्र के बदखर में बोनाजा स्कूल के सामने शुक्रवार की दोपहर लगभग 12 बजे गहरवार ट्रेवल्स की बस नंबर MP17P0336 ने प्रियांशी गुप्ता पिता दिनेश कुमार गुप्ता 3 वर्ष को टक्कर मार दी। प्रियांशी का पैर बस की चपेट में आकर बुरी तरह कुचल गया। मासूम के घायल होते ही वहां आसपास मौजूद रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई और नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीच सड़क पर चल रहे उपद्रव का असर सतना सिमरिया मार्ग के यातायात पर पड़ा। नतीजन आवागमन ठप हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलने पर CSP महेंद्र सिंह और TI कोलगवा DP सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाइश देने की कोशिश शुरू की। लोग हादसे के साथ साथ यहां सड़क के दोनों तरफ ट्रकों के अवैध रूप से पार्किंग बनाकर खड़े रहने पर भी नाराज थे। कुछ देर बाद तहसीलदार भी वहां पहुंचे और घायल प्रियांशी को अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने बालिका को मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसे जबलपुर ले जाना चाहते थे, लिहाजा तहसीलदार और CSP ने उसे जबलपुर भेजने का प्रबंध भी कराया। शुरुआती तौर पर तहसीलदार ने शासन की तरफ से 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता बालिका के इलाज के लिए परिजन को दी है। बस की चपेट में आकर अपना एक पैर गंवाने वाली मासूम प्रियांशी के पिता दिनेश की 1 साल पहले ही बदकर तालाब में डूबने से मौत हो चुकी है। घर पर उसकी माँ शिखा गुप्ता और 2 वर्ष की छोटी बहन प्रिया गुप्ता है, जिनके पालन पोषण का जिम्मा माँ पर ही है। बताया जाता है कि शिखा अपनी दोनों बेटियों प्रियांशी और प्रिया को लेकर अपने भाई राजेश कुमार गुप्ता की मारुति नगर स्थित घर जा रही थी। बोनाजा स्कूल के सामने की गली से निकलकर वह मेन रोड पर ऑटो पकड़ने पहुंची थी। उसने प्रियांशी को सड़क किनारे छोड़ दिया और प्रिया को गोद में लेकर झोला लेकर सड़क के दूसरी पार जाने लगी। तभी प्रियांशी ने मां के पीछे दौड़ लगा दी। इसी बीच बस आ गई और प्रियांशी का पैर उसकी चपेट में आ गया। कानून नहीं है, जब वोट लेना हो हाथ जोड़ के आते बोलते हैं।